तो so, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इल्यूमिनेटिंग प्राइमर लगा रही हूँ मुझे ग्लोइंग बेस चाहिए मास्क कॉस्मेटिक का टेक अ ग्लो प्राइमर मैंने अप्लाई करा स्किन केयर मैं पहले ही कर चुकी हूँ मेरी ड्राई स्किन है अपनी स्किन के हिसाब से आप स्किन केयर स्टेप्स ज़रूर फॉलो करें इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक और प्राइमर ये है स्विस ब्यूटी का पोर फिलिंग प्राइमर विटामिन सी ई हाइड्रेटिंग प्राइमर है ये और जहाँ जहाँ पे मुझे ओपन पोर्स हैं नोज के पास और जहाँ पे मुझे फाउंडेशन सबसे जल्दी निकलने लगता है मुंह के पास के एरिया पर मैं ये प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो भी आप इस तरह से दो अलग प्राइमर्स का इस्तेमाल कर सकते हो टी जोन अगर ऑयली है तो वहाँ पे पोर फिलिंग प्राइमर लगाएं और चीक्स पे एक हाइड्रेटिंग प्राइमर नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है कलर करेक्शन का स्टेप अगर आपको एक्ने है तो ग्रीन कलर का कलर करेक्टर लगाएं और अगर पिगमेंटेशन है तो पीच या ऑरेंज शेड अगर स्किन आपकी डार्क टोन पे है तो ऑरेंज शेड लगाना है अगर मेरे जैसा स्किन है तो पीच कलर का कलर करेक्टर आपके लिए

घर पे पार्लर जैसा मेकअप करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ही महंगा सामान होना चाहिए जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स आप ख़रीदो उनकी क्वालिटी और वो वर्केबल मेकअप प्रोडक्ट्स होने चाहिए स्विस ब्यूटी या मास्क कॉस्मेटिक कुछ ऐसे मेकअप ब्रांड्स हैं जिनमें बजट प्राइस में भी आपको बढ़िया प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जैसे ये फाउंडेशन जो आज मैंने लगाया ये कुछ फोर की रेंज का है लेकिन इसका फिनिश बहुत ही बढ़िया है ना नेक्स्ट स्टेप में मैं फेस को ब्राउजअप कर रही हूँ माई ग्लैम पैलेट में से एंगल्ड ब्रश के ऊपर मैंने ब्राउन्जर शेड लिया और ईयर लोब को फॉलो करते हुए ब्रॉन्जर अप्लाई कर रही हूँ अब कॉन्डोरिंग का स्टेप मुझे पर्सनली करना पसंद नहीं है और कॉन्डोरिंग तभी ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे हिसाब से जब आपने बहुत ज़्यादा हैवी बेस किया हो और अगर आपका बेस थोड़ा सा मीडियम कवरेज है देन ब्रॉन्जर एंड ब्लश वर्क्स रियली ब्यूटीफुली सो so, इसी पैलेट का पिंक ब्लश मैं हायर पार्ट्स ऑफ द चीक पे अप्लाई कर रही हूँ और इसी पैलेट से हाईलाइटर शेड लेके अपवर डायरेक्शन में चीक बोन एरिया पर हाईलाइटिंग शेड अप्लाई कर रही हूँ और साथ ही इसको ब्रिज ऑफ द नोज पर भी अप्लाई किया एंड चिन पर भी नेक्स्ट स्टेप में क्विकली आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक पार्टी आई मेकअप करने का तरीका शुगर क्रस्मेटिक का अब uh, कंसीलर मैंने आईलेट के ऊपर अप्लाई किया उसको इवनली ब्लेंड कर लिया और मैट लुक का ये 23 शेड आई शेडो पैलेट ले रही हूँ इसमें से येलो शेड पिक करते हुए आईज के आउटर कॉर्नर्स पे और क्रीज एरिया में पहले प्लेस किया और फिर मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ देन सेम पैलेट में से मैं एक लाइट ये लाइट पिंक शेड लूँगी यहाँ पर दो शेड हैं एक थोड़ा ब्राउन टोन पे एक पीच टोन पे तो मैं पीच शेड पिक कर रही हूँ और उसको एज अ ट्रांजिशन शेड ब्लेंड कर रही हूँ एंड अच्छे से इस शेड को ब्लेंड करने के बाद देन दोबारा से येलो शेड को पूरी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ नेक्स्ट स्टेप में मैं ले रही हूँ एक ब्लैंडिंग ब्रश और उसके साथ गोल्डन ग्लिटर पिक कर रही हूँ ना आईलिड के ऊपर ग्लिटर कैसे अप्लाई करना है ये प्रेस ग्लिटर है तो उसमें ऑलरेडी ग्लू है जस्ट आपको टैप करना है ब्रश को आईलिड के ऊपर समथिंग लाइक दिस एंड यू विल गेट एन ईवन एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा थिक या मोटी लेयर लगाने की जरूरत नहीं है ग्लिटर की वो जो है वो क्रीज होने लगता है एंड लुक्स वेरी वेरी वियर्ड एज वेल वेयरेबल ग्लिटर अगर आपको लगाना है तो इसी तरह से टैपिंग मोशन के साथ अप्लाई करें देन मैं मेबल जेल आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ एक फेल्ट ट्रिप ब्रश की मदद से क्लोज टू द लैश लाइन कोई मोटा लाइनर नहीं लगा रही हूँ जस्ट क्लोज टू द लैश लाइन और लोअर लैश लाइन के लिए आज मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाली हूँ यहाँ पे मैं इन कलर की पर्पल आई पेंसिल ले रही हूँ इसको मैंने लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई किया देन इसको लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ लोअर लैश लाइन पर अगर काजल पेंसिल के साथ आपको काजल अप्लाई करना है तो जेंटल स्ट्रोक्स के साथ उसको बैक एंड फोर्थ मोशन में धीरे धीरे आपको मूव करना चाहिए आगे पीछे एंड स्लोली स्लोली टेक इट फॉरवर्ड ईजिली आपका जो काजल है अप्लाई हो जाएगा समथिंग लाइक दिस एंड देन इसको मैं सेट कर रही हूँ एक पर्पल टोन के आई के साथ सो येलो एंड पोपल का कॉम्बिनेशन इट्स वेरी डिफरेंट लेकिन करंटली काफ़ी ट्रेंड में है मैंने कुछ तीन चार लुक्स देखे इंस्टाग्राम के ऊपर एंड डू फेल कि ये काफ़ी डिफरेंट लग रहा है सो so मुझे ट्राई करना चाहिए एंड आई डू लाइक डिट लेट मी नो आपको कैसा लग रहा है येलो पोपल का ये कॉम्बिनेशन देन लैशेज़ को कल करने के बाद मैं फ्लेवर फिफ्टी टू का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मुझे फॉल्स आई लैशेज लगाना पसंद नहीं है आई प्रेफर अपलाइंग अ गुड मस्कारा एंड आईब्रो फिल करने के लिए शुगर कॉस्मेटिक आर्चर आइवर ब्राउ पेंसिल यूज कर रही हूँ ना इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एकदम सलोन या पार्लर जैसा मेकअप करना चाहते हो आई मेकअप करने के बाद आंखों के नीचे लाइट कलर का कंसीलर लगाना है सो so, आपको लगता है ना कभी कभी ये इतने सारे कंसीलर क्यों लगा रहे हैं पहले डार्क पहले फिर बाद में लाइट लाइट कलर का कंसीलर जब आप लगाओगे जैसे मैंने लगाया स्विस ब्यूटी का कंसीलर थोड़ा सा इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर पर फिर मैंने उसको ब्लेंड कर दिया आप देख रहे हो जो पर्पल मैंने लोअर लैश लाइन पर लाइनर लगाया है वो और ज़्यादा इन्हांस हो रहा है तो जब भी आप डार्क आई मेकअप करो या लोअर लैश लाइन पे कोई कलर काजल लगाओ उसके बाद ये वाला स्टेप कर लेने से आपका लुक और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा खास करके अगर आपने लोअर लैश लाइन पर एक थोड़ा मीडियम लाइट कलर का शेड अप्लाई करा है और हाँ थोड़ा सा शेड मैंने ब्राउन्जर जहाँ लगाया था उसके नीचे भी अप्लाई करा है ब्रश की मदद मतलब से उसको ब्लेंड करके फिंगर टिप के साथ सेट कर रही हूँ ताकि वो हार्श लाइन दिखाई ना दे और मेकअप के लास्ट स्टेप को करने से पहले फुल फेस को लूज पाउडर की मदद से मैं सेट कर रही हूँ अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो पफ की मदद से आप पाउडर लगा सकते हो अगर ड्राई स्किन है तो ब्रश की मदद से पाउडर लगा सकते हो और फुल फेस मेकअप को सेट कर रही हूँ लॉरेल पेरिस इन्फेलेबल प्रो मैट सेटिंग स्प्रे के साथ मैंने फुल फेस मेकअप सेट कर ली एंड देन आई रियलाइज कि मैंने लिपस्टिक तो अप्लाई ही नहीं करी जस्ट अब की लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ शेड है जस्ट रोज पहले लिपस्टिक वॉन्ट के साथ ही लिप्स को लाइन करा देन लिप्स को फिल कर रही हूँ एंड या ये है मेरा कंप्लीट फिनिश्ड मेकअप लुक येल्लो साड़ी के साथ कलर्स ऑफ नवरात्र सीरीज में पार्लर जैसा मेकअप घर पे करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा है और आज के लुक में मैंने वाइट ईयर वेयर करे हैं और लुक को थोड़ा इसमें कलर ब्लॉकिंग इफेक्ट ऐड करने के लिए जो बैंगल्स मैंने ऐड करी हैं उसमें मैं और येलो का कॉम्बिनेशन ऐड करा है ओवरऑल येलो आउटफिट के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैंने एक हैवी मेकअप करा है तो इसलिए मैंने ज्वेलरी काफ़ी सिंपल रखी है जब भी, भी आप तैयार होते हो ना आपको ज्वेलरी हेयर स्टाइल आउटफिट सब चीज़ें आपस में मिक्स एंड मैच करके स्टाइल करना चाहिए ताकि आपका ओवरऑल लुक जो है वो बढ़िया निकल के आए इस पूरी लुक के साथ पहले मैंने एकदम चोकर नेकलेस हैवी ईयर भी ट्राई करे थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा ओवर लग रहे थे I switch to these simple earrings. Well, let me know, girls, कि आज का येलो साड़ी के साथ करने का वीडियो आपको कैसी लगी एंड कर रहे हो। इस तरह के और बिगनर फ्रेंडली मेकअप टूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मंडे को पोस्ट करूंगी एंड दैट्स दिस वीक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लव यू ऑल बाई